Hello everyone. In this episode, we will discuss about the aims and objectives of United Nations. Number one, to maintain international peace and security. इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना. मान लो कोई दो देश के बीच सीमा यानी बाउंड्री को लेकर विवाद चल रही है. धीरे धीरे बात जंग तक आ गई तो ऐसे मामलों में यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ही परामर्श लेंगे कि इस मुद्दे को ठीक करे और परिस्थिति खराब होने से रोके. नंबर टू, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. इसका मतलब ये है कि समानता और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जैसे मैंने कहा था दो देशों के बीच चल रहे विवाद के बारे में. तो संयुक्त राष्ट्र हमेशा प्रयत्न करेगा कि दोनों देशों को बराबरी का हक मिले और इसी तरह संयुक्त राष्ट्र उनके बीच गलतफहमियों को दूर करने के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करेगा. नंबर थ्री, टू फोस्टर वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स. इसका मतलब ये है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान में विश्वव्यापी सहयोग को बढ़ावा देना. मान लो अगर किसी देश में महामारी की वजह से आर्थिक स्थितियाँ बहुत बढ़ गई है या फिर गरीबी, धर्म और जाति भेदभाव जैसे चीज बढ़ गई है, तो संयुक्त राष्ट्र ऐसी परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयास करेगा.